लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अलसी की चटनी खाने से आर्थराइटिस समेत कई समस्याओं में मिलता है फायदा, जाने बनाने का तरीका। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अलसी के बीज का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अलसी में मौजूद पोषक तत्व और गुण बहुत शक्तिशाली होते हैं। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है। अलसी में प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कैल्शियम, पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। शरीर की मांसपेशियों के विकास के लिए और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए अलसी के बीज का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। अलसी के बीज का सेवन कई तरह से किया जाता है। ज़्यादातर लोग इसे पानी में भिगोकर या रोस्ट करके खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलसी के बीज की चटनी भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अलसी के बीज की चटनी का सेवन करने से आपको आर्थराइटिस या हड्डियों से जुड़ी समस्या से लेकर के महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों में भी बहुत फायदेमंद होता है। अलसी की चटनी के खाने के फायदे क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अलसी की चटनी का सेवन महिला पुरुष समेत हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होता है। अलसी में मौजूद गुड़ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या में भी बहुत उपयोगी माने जाते हैं। यही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान भी अलसी की चटनी का सेवन करने से आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसमें मौजूद फाइबर की पर्याप्त मात्रा आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और अपच या पेट में गैस जैसी समस्या से छुटकारा दिलाने में बहुत उपयोगी होती है। अलसी के बीज से बनी चटनी का सेवन करने से आपको फायदे मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा है, हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। हड्डियों को मजबूत बनाने और बीमारियों से बचाने के लिए अलसी की चटनी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। सॉरी, अलसी में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा हड्डियों को मजबूत बनाने और आर्थराइटिस जैसी गंभीर परेशानी से छुटकारा दिलाने में बहुत उपयोगी होती है। दूसरा, हाई कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद है। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या में अलसी के बीज से बनी चटनी का सेवन करने से आपको फायदा मिलता है। अलसी एक फाइबर फूड है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड और सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, जो शरीर में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत उपयोगी माना जाता है। पीरियड क्रैम्प्स में भी ये लाभदायक है। पीरियड्स के दौरान दर्द, ऐंठन जैसी परेशानियों को कम करने के लिए अलसी की चटनी का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। अलसी की चटनी में मौजूद गुड़ शरीर में हार्मोन बैलेंस में रखने का काम करते हैं और पीरियड्स में बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। वजन कम करने में उपयोगी है अलसी की चटनी। वजन कम करने के लिए अलसी का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। अलसी के बीज में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। इसका सेवन करने से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। अलसी की चटनी खाने से आपको भूख कंट्रोल रहती है और वजन कम करने में मदद मिलती है। डायबिटीज में भी फायदेमंद है अलसी की चटनी। डायबिटीज की समस्या में अलसी की चटनी का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। अलसी में मौजूद गुड़ शरीर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ठीक करने और डायबिटीज में वजन कंट्रोल करने में भी बहुत उपयोगी होता है। अलसी में मौजूद प्रोटीन, फाइबर और अल्फा लिनोलेनिक शरीर में ब्लड शुगर कम करने में उपयोगी होते हैं। अभी
फायदे आपको बता दिया है मैंने, अभी मैं आपको बताऊंगा अलसी की चटनी आपको बनाना कैसे है। अलसी की चटनी बनाने के लिए आप सबसे पहले जरूरत के अनुसार अलसी के दाने लें और उन्हें साफ करके तवे पर भून लें। अब इसमें लहसुन की कुछ कलियां मिलाकर मिक्सी में पीस लें। इस पेस्ट को किसी बर्तन में निकाल लें और इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल और सेंधा नमक मिला लें। अब आपकी अलसी की चटनी बनकर तैयार है। इसका सेवन आप भोजन के साथ किसी समय भी आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।